हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे और आपका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों, यहाँ पर लेवल 4 और लेवल 6 के एग्जाम फाइनली RRB के द्वारा कंडक्ट करा लिए गए हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों RRB NTPC CBT 2 में अटेंडेंस कितना था। फाइनली दोस्तों ऑफिशियल नोटिस आ गया RRB के द्वारा और ये क्लियर कर दिया गया है कि यहाँ पर कितने प्रतिशत अटेंडेंस था। इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, साथ ही बात करने वाले हैं RRB NTPC CBT 2 में कट ऑफ कितना जाएगा। कट ऑफ को लेकर बहुत सारे क्वेरीज थे बच्चों के, बहुत सारे कमेंट देखने को मिले कि सर RRB NTPC CBT 2 में कट ऑफ कितना जा सकता है। जैसे कि आप सभी को पता है यहां पर जो पेपर था दोस्तों RRB NTPC CBT 2 का, वो मॉडरेट टू हाई लेवल का देखने को मिला, तो उसके चलते यहां पर कट ऑफ में कितना वेरिएशन आ सकता है, हम इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही बात करेंगे दोस्तों लेवल 2, 3 और 5 के एग्जाम डेट के बारे में कि आखिर कब तक लेवल 2, 3 और 5 का एग्जाम डेट RRB के द्वारा फाइनल किया जाएगा। दोस्तों हम इन्हीं सब चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया तो प्लीज चैनल को लाइक से एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ बेल आइकन पर हिट कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें दोस्तों RRB NTPC CBT 2 में अटेंडेंस कितना परसेंट था। मैं इसके लिए दोस्तों आपको RRB का ऑफिशियल डेटा दिखाने वाला हूं दोस्तों, जो यहां पर दिया गया है। ये देखिए दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा दोस्तों प्रेस विज्ञापित डेटा है। प्रेस रिलीज कब किया गया था दोस्तों, यहां पर देख लीजिए 11 मई 2022 को। यहां पर देखिए सेकंड स्टेज CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के अकॉर्डिंग दोस्तों यहां पर ये नोटिस जारी किया गया था। यहां पर देख सकते हैं आप लेवल 6 CBT वॉज कंडक्टेड इन 156 सेंटर दोस्तों, 156 सेंटर में यहां पर लेवल 6 का एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। CBT 2 का 111 सिटीज थी दोस्तों और यहां पर लगभग 25 स्टेट में ये एग्जाम कंडक्ट कराए गए थे। साथ ही दोस्तों यहां पर लेवल 4 के एग्जाम की बात करें तो यहां पर 89 सेंटर था दोस्तों, 56 सिटी थी और यहां पर तकरीबन 17 स्टेट में दोस्तों ये एग्जाम कंडक्ट कराए गए थे। यहां पर RRB के द्वारा पूरा ये क्लियर डेटा दे दिया गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये पूरा डेटा। इसके साथ ही बात करें यहां पर टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जिन्होंने अभी तक यहां पर क्या किया है दोस्तों, एग्जाम दिया है, अपियर हुए एग्जाम में, तो यहां पर दोस्तों 1,28,708 कैंडिडेट ने यहां पर एग्जाम दिया। अपियर आउट ऑफ कितना दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं 1,80,882 कैंडिडेट यहां पर एग्जाम देने वाले थे, लेकिन सिर्फ कितने लोगों ने एग्जाम दिया, 1,28,708 कैंडिडेट। मतलब दोस्तों आप सोच के देखिए यहाँ पर तकरीबन 62,000 लोगों ने यहाँ पर एग्जाम नहीं दिया है। और परसेंटेज में बात करें तो लगभग यहाँ पर 74% अटेंडेंस था दोस्तों, सोच सकते हैं आप यहाँ पर लगभग 26% दोस्तों यहाँ पर बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया है। टोटल कितना परसेंट अटेंडेंस था, 74%। मतलब दोस्तों सीधी सी बात है यहाँ पर कट ऑफ में इसका वेरिएशन देखने को मिल सकता है दोस्तों, बिल्कुल यहां पर कट ऑफ डाउन जा सकता है, क्योंकि आपको भी पता है दोस्तों यहां पर जितने कैंडिडेट एग्जाम देने वाले थे उतने लोगों ने नहीं दिया है, तो बिल्कुल यहां पर इसकी वजह से कुछ हद तक कट ऑफ यहां पर आपको डाउन देखने को मिल सकता है। और उसके साथ ही बात करें यहां पर फर्स्ट टाइम आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन वॉज डन फॉर कैंडिडेट दोस्तों, यहां पर फर्स्ट टाइम दोस्तों आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन की बात की गई है, ये कराया गया है दोस्तों और इसके अकॉर्डिंग यहां पर सारी डिटेल दी गई है। अब बिल्कुल ये सोच के मत डरिए आपकी आप आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन क्या होता है, अरे ये कुछ नहीं होता है यार, जैसा आप अभी तक कराते आए थे बिल्कुल वही प्रोसीजर है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है दोस्तों। इसके साथ ही सबसे नीचे वाला पॉइंट देखिए, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, RRB के द्वारा ये पहले भी क्लियर किया गया था और अब भी क्लियर किया जा रहा है, नो नॉर्मलाइजेशन नीडेड ड्यू टू RRB वाइज शेड्यूलिंग दोस्तों, यहां पर नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, बिल्कुल RRB के द्वारा ये पूरे तरह से क्लियर कर दिया गया है। बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे थे कि सर हमारा पेपर बहुत ज्यादा हार्ड आया था, जो फर्स्ट शिफ्ट वालों का पेपर इजी आया था या फिर उससे पहले दिन वालों का पेपर इजी आया था, तो यार कोई इशू नहीं है, अगर आपको लगता है कि पहले शिफ्ट वालों का यहाँ पर पेपर इजी आया था और हमारा पेपर बहुत ज्यादा हार्ड है, तो यार कोई इशू नहीं है, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपका एग्जाम RRB वाइज हुआ है, अगर आपका यहाँ पर हार्ड भी आया है तो बिल्कुल उसका भी टेंशन मत लीजिए, उसके अकॉर्डिंग यहां पर आपका सिलेक्शन होगा, और अगर आपका यहां पर पेपर इजी आया है तो इजी वालों को कट ऑफ हाई जाएगा यार, उसके अकॉर्डिंग यहां पर सिलेक्शन होगा और आपका कट ऑफ थोड़ा लो जाएगा एज कंपेरिजन इनके, तो यार ये चीजें हो सकती है। वैसे भी दोस्तों यहां पर बहुत ज्यादा इजी पेपर तो कहीं देखने को नहीं मिला, चाहे हम 9 मई की बात करें चाहे 10 मई की, यहां पर दोस्तों मॉडरेट टू हाई लेवल का पेपर बिल्कुल देखने को मिला है। जैसा कि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि यहां पर वेरिएशन बहुत ज्यादा है क्वेश्चन में, रीजनिंग में, मैथमेटिक्स में, या फिर बात करें GK में, तो यहां पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बहुत सारे बच्चों के कमेंट देखने को मिले। इसके साथ ही दोस्तों बहुत सारे बच्चे कट ऑफ को लेकर बहुत ज्यादा वरीड है कि सर कट ऑफ कितना जाएगा RRB NTPC
सभी डेटों के एग्जाम है। चलिए दोस्तों आपकी ये डाउट भी मैं क्लियर कर देता हूँ। इसके लिए दोस्तों मैं आपको पोल में ले जा रहा हूँ। मैंने एक दिन पहले दोस्तों यहाँ पर RRB NTPC CBDT2 के एग्जाम को लेकर पोल कराया था। यहाँ पर देख सकते हैं मेरा क्वेश्चन, RRB NTPC CBDT2 के लेवल 4 के एग्जाम में आपने कितना अटेंड किया। यहाँ पर दोस्तों इस पोल में लगभग 367 बच्चों ने अभी तक भाग लिया था और मैंने यहाँ पर चार ऑप्शन दिए थे। सबसे पहला ऑप्शन था 60 से 70 के बीच में अटेंड करने वाले बच्चे कितने हैं, इसकी जनसंख्या थी दोस्तों यहाँ पर 15%, और 70 से 80 के बीच में दोस्तों 38% बच्चों ने यहाँ पर अटेंड किया है, और 80 के 90 के बीच में बात करें तो यहाँ पर 26% बच्चों ने अटेंड किया है, और 100 एबो की बात करें तो यहाँ पर 20% बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने यहाँ पर 100 एबो अटेंड किया है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर मैक्सिमम जो परसेंटेज है 70 से 80 के बीच में या 80 से 90 के बीच में वैरी कर रहा है, तो बिल्कुल हम ये मान के चलते हैं कि कट ऑफ आपका यहीं तक वैरी करेगा दोस्तों। यहाँ पर ही कट ऑफ पूरा डिसाइड होगा, ना तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ज्यादा कम जाने वाला है, नहीं बहुत ज्यादा हाई जाने वाला है। बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे थे एग्जाम होने से पहले कि यहाँ पर सर कट ऑफ 100 एबो जा सकता है, मॉक टेस्ट में यहाँ पर 100 एबो मैक्सिमम बच्चे के मार्क्स आ रहे हैं। तो यार आपको बता दूं, मॉक टेस्ट वाली जो कंपनियां होती है अलग अलग टाइप के दोस्तों, यार उसके अकॉर्डिंग उस एप्लीकेशन में आपका नंबर आता होगा, लेकिन RRB दोस्तों इन वेबसाइट के भरोसे नहीं चलती। यहाँ पर RRB अपना पेपर खुद बनाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैक्सिमम बच्चे अगर यहाँ पर है तो बिल्कुल कट ऑफ भी इन्हीं के आसपास जाएगा दोस्तों। अब ऐसा तो नहीं है ना कि 70 से 80 के बीच में अटेंड किया है तो इनकी एक्यूरेसी पूरी 100% हो, नहीं यार, 4, 5, 10, 8, 10 तो गलतियां ऐसी ही हो जाती है दोस्तों। यहां पर अगर मान के भी चले 5 गलतियां, तो भी दोस्तों अगर आप 80 अटेंड करके 5 भी गलत करते हो तो यार यहाँ पर 72 के आसपास 73 के आसपास जा सकता है, तो ये मान के चल सकते हैं। और 80 से 90 वालों की भी बात करें तो यहाँ भी आपको 8-10 गलतियां देखने को मिल सकती है, हो सकती है 5-7 गलतियां देखने को मिले, तो भी दोस्तों यहाँ पर 80-82 के आसपास देखने को मिल सकता है। और इन दोनों का अगर राउंड ऑफ निकाले दोस्तों, तो यहाँ पर बीच का निकाले तो बिल्कुल 75 के आसपास यहाँ पर आपको कटअप देखने को मिल सकता है। मैं रॉ स्कोर की बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप 75-76 के आसपास नंबर लाए हैं तो आप सेफ हैं, शायद आपका कटअप यहीं तक जाएगा और आपको यहां पर अपना सिलेक्शन NTPC CBDT2 में देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही यहां पर बात करें दोस्तों लेवल 6 के एग्जाम में, तो यहां पर देखिए फिर से मेरा वही क्वेश्चन था, RRB NTPC CBDT2 में लेवल 6 के एग्जाम में आपने कितना अटेंड किया है। यहां पर दोस्तों 379 लोगों ने वोट दिया था। यहां पर देखिए सेम 4 ऑप्शन था, ऑप्शन ए में था 60 से 70 के बीच में कितने बच्चों ने अटेंड किया, यहां पर 22% बच्चे ऐसे थे दोस्तों जिन्होंने 60 से 70 के बीच में अटेंड किया, और यहां पर बी ऑप्शन बी में बात करें 70 से 80 के बीच में 31% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 70 से 80 के बीच में अटेंड किया, और 80 से 90 की बात करें तो यहां पर 27% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने यहां पर 80 से 90 के बीच में अटेंड किया, और 100 एबो की बात करें तो एज यूजुअल दोस्तों यहां पर 20% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 100 एबो भी यहां पर अटेंड किया है। अब दोस्तों यहां पर मैक्सिमम परसेंटेज की बात करें तो यहां पर 70 से 90 के बीच में देखने को मिल रहा है, और बिल्कुल आपका कट ऑफ भी यहीं तक वैरी करेगा। अब यहां पर भी वही लेके चलिए आप, जो भी यहां पर अटेंड किए हैं उनकी एक्यूरेसी 100% तो हो ही नहीं सकती, 2-4-5 गलतियां तो यार एज यूजुअल ऐसे ही हो जाती है। तो दोस्तों यहां पर अगर आप 80 अटेंड भी करते हैं मान के चलिए, तो भी अगर 5 गलतियां होती है तो भी 72-73 के आसपास आपका जाएगा दोस्तों, 5-6 गलतियां होती है तो। 80 से 90 के बीच वालों के भी ऐसी है, अगर यहां पर आप 85 के आसपास अटेंड करते हैं तो भी आपको 77-78 के आसपास नंबर देखने को मिलेगा, तो भी यहां पर सेम टू सेम है दोस्तों, आपका 75 से 76 से 70 नंबर तक आपको यहां पर कटअप देखने को मिल सकता है। हो सकता है 1-2 नंबर कम देखने को मिले या फिर 1-2 नंबर ज्यादा देखने को मिले, लेकिन हाँ बिल्कुल इसके लगभग यहां पर कटअप देखने को मिल सकता है क्योंकि यहां पर नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, रॉ मार्क्स के आधार पर आपका अपना सिलेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यार कैसा लगा मेरे वीडियो, अगर मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज जल्द से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ बेल आइकन पर हिट कर लेना भूलिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ।